हे गाइस, गुड इवनिंग। सो आप लोग सभी कैसे हो? तो ये ब्लॉग है इवनिंग के 4:30 बजे का, और उस टाइम मैं कर रही थी मेकअप। तो ये तुलसी माँ की पूजा करूँगी आज, क्योंकि आज तुलसी विवाह है, तो तुलसी माता की पूजा करूँगी, उसी के लिए मैं रेडी हो रही हूँ। तो मैं एकदम न्यू साड़ी वेयर किया है, रेड कलर का, और इसका ब्लाउज सिल नहीं पाया था। मैं ही खुद सिलती हूँ अपने ब्लाउज, तो सिल नहीं पाया इसलिए मैंने ओल्ड ब्लाउज पहन लिया, और साड़ी न्यू है। तो इसका जो रेड कलर का ब्लाउज है वो तुलसी माता के लिए मैंने रख लिया है, कि उनके लिए भी साड़ी या ब्लाउज का कपड़ा कुछ चाहिए होता है, तो मैंने उनके लिए ब्लाउज का कपड़ा रख लिया है। तो फ्रेंड्स, मैं अपना मेकअप वेकअप करके आ गई, और क्या है, मैं मेकअप बुक किया लिपस्टिक विपस्टिक, और पहले वैसा सिंपल मेकअप तो मैंने और सिंपल ही किया है, और जो मेकअप रहता है, जो आई शेडो वगैरह, वो मैंने सब कुछ कर लिया था, लिप लाइनर वगैरह सब लगा लिया था। तो ये मैंने माथे पर टीका लगाया था ना, तो लिपस्टिक का लगा लिया था पहले, उसके बाद मैंने सिंदूर लगाया है, क्योंकि अपन लिपस्टिक का टीका कर लेते हैं उसके बाद सिंदूर लगाओ ना तो क्या होता है, तो उससे सिंदूर जो औरतें का, औरतों में गांव में काम नाम करती है, तो बहुत पसीने से या कुछ तो बह जाता है, या फिर नोज पे गिर जाता है, टपकने लगता है, इसलिए मैं पहले यही उसके ऊपर सिंदूर लगा लेती हूँ। लिपस्टिक का टीका लगाने के बाद तो काफ़ी अच्छा रहता है, मैं हमेशा यही करती हूँ, सर्दी हो या गर्मी, तो उससे गिरता नहीं है, बस ये है। तो फ्रेंड्स, मैं किचन में से आ गई, तो मैंने ये पुए हुए खीरे पूड़े उड़े ये सब बना लिया था, तो मैं ऊपर आ गई। तो ऊपर आने में मुझे, मतलब ये मेकअप वेकअप करने में और ये मतलब थाली वाली लगाने में 5 तो बज ही गए, आधा घंटा तो ले लिया होगा, तो ये 5 बज गए होंगे। ऊपर आई तो शाम हो गया, आप लोग देख रहे हो, और तो मैं जल्दी जल्दी, क्योंकि 108 फेरी परिक्रमा भी लगाना है, तो फेरी भी बोल देते हैं हमारे गांव में, फेरी बोला जाता है उसे, तो 108 परिक्रमा भी लगानी है, तो आप लोग देख रहे हो, तो जल्दी जल्दी, बहुत जल्दी जल्दी में थी, तो रेडी भी सिंपल ही तरीके से हो गई थी। तो मैं सबसे पहले दिया जला देती हूँ, उसके बाद पूजा करूँगी। तो मैंने ये सातियाँ बना दिया है, और अब मैंने दिया जलाऊँ, और मैंने जल चढ़ा देती हूँ। और फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिएगा एंड तक, तो 108 परिक्रमा कैसे देती हूँ मैं, और बहुत ही जल्द जल्दी। और पता है लास्ट में क्या हुआ था? मैं परिक्रमा देते देते, पूरा ब्लॉग देखना, मैंने छोटा सा क्लिप भी दिया है, क्या हुआ था, मैं परिक्रमा देते देते 108 परिक्रमा दी, चक्कर इतना बुरी तरीके से आया, वो भी मैंने बैठ बैठ के दी, 3 बार बैठी थी 108 परिक्रमा देने में, और मैं इतना मतलब चक्कर आने लगा, सर घूमने लगा, तो मैं आके लेट गई और मैं सो गई थी, उसके बाद मैंने खाना भी नहीं खाया था। तो 108 परिक्रमा देना बहुत मुश्किल हो गया था, ये मैं फर्स्ट टाइम ये पूजा की थी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को देखना एंड तक, आप लोगों को सब कुछ देखने को मिलेगा इसमें। तो देख लीजिएगा फ्रेंड, मैंने पूजा कर ली और मैं परिक्रमा दे रही हूँ। तो मैंने पूरी परिक्रमा तो दिखाई नहीं, क्योंकि ब्लॉग काफ़ी बड़ा हो जाएगा, 1 घंटे को हो जाएगा, तो मैंने थोड़ा सा ही परिक्रमा दी,
और उसमें आप लोगों को दिखा दिया है मैंने किस तरीके से परिक्रमा दी थी। तो ये डुग्गू आ गया था परिक्रमा देते देते, पता नहीं कहाँ से सो रहा था शायद मेरे ख्याल से, तो मैंने सोचा सो जाने दो। और मैं ये देखिए, मैंने बोला था मैं क्लिप दूंगी, तो मैं आके लेट गई थी, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, चक्कर आ गया था, बैठा भी नहीं जा रहा था। फिर जो खाना बचा था मम्मी ने बनाया था।